ओके सो टुडे वी हैव आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ द रीनल फिजियोलॉजी दैट इज मोस्ट सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्टरी लेक्चर एंड सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज ऑफ टोटल बॉडी वाटर। तो याद रखें कि टोटल बॉडी वाटर जो आपका है दैट इज 60% ऑफ द बॉडी वेट। ठीक है, तो आपके बॉडी का लेट सपोज 100 kg वेट है, तो 60 kg उसमें से वाटर है, और ये वाटर फिर दो कंपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक है इंट्रा सेलुलर और दूसरा है एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर मीन्स विद इन द सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स आउटसाइड द सेल। अच्छा, इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट को डिस्कस करते वक्त ये आप कभी ना भूलें कि आरबीसी भी एक सेल है। ठीक है, तो अगर आरबीसी के अंदर फ्लूइड जाएगा तो ये स्वेल करेगा, उससे फ्लूइड निकलेगा तो ये श्रिंक करेगा। तो डोंट फॉरगेट दैट इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में आरबीसी, कभी कभी इंट्रा सेलुलर की जगह RBCs पे क्वेश्चन आ जाता है, एंड यू फॉरगेट अबाउट दैट RBC इज a cell एंड इनसाइड द एनवायरनमेंट इज इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट। अच्छा, एक्स्ट्रासेलुलर को फिर टू में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, एक है इंटरस्टीशियल और एक है प्लाज्मा। सही, तो यहाँ पे रुक जाते हैं एंड लेट्स कम टू दिस लास्ट स्लाइड, सॉरी लास्ट पोर्शन ऑफ द स्लाइड, जिसमें 60-40-20 का रूल है। 60 का मतलब यह है कि टोटल बॉडी वाटर जो है 60% ऑफ द बॉडी वेट है, इसमें से जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है वो 40% है, और बाकी जो 20% बचता है वो एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में अवेलेबल है, या इन अदर फॉर्म इनको ऐसे लिखा है कि 2/3 इज इंट्रासेलुलर एंड 1/3 इज एक्स्ट्रासेलुलर। इस 1/3 में 1/4 जो है प्लाज्मा है और 3/4 जो है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है। और फिर हमने थोड़ी और कैलकुलेशन की है, दो लीस्ट लाइकली आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, लेकिन टू बी ऑन द सेफ साइड हमने लिखा है कि इट इज 1/12 ऑफ द टोटल बॉडी। मतलब 1/12 कैसे बनता है कि इट इज 1/4 ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर, तो 1/4 को 1/3 से मल्टीप्लाई करो तो 1/12 आता है, सिंपल मैथमेटिक्स। और सिमिलरली ये जो है 3/4 ऑफ द 1/3 है, तो 3/4 को 1/3 से मल्टीप्लाई करो तो टोटल का ये 1/4 आता है। तो ये वैल्यूज थोड़े से याद रखें कि 1/4, 1/12 और 2/3, 1/3। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट दिस रूल 60, 40 एंड 20। अच्छा, ये याद रखें कि टोटल बॉडी वाटर जो है लोवेस्ट एडल्ट फीमेल में, और स्पेसिफिकली अगर फीमेल ओबीज हो तो ही माइट बी हैविंग अ लॉट ऑफ फैट्स, और जब लॉट ऑफ फैट्स होंगे सो देयर विल बी लोअर कंटेंट ऑफ द वाटर, जबकि न्यू बोर्न जो है उनमें कंसंट्रेशन सॉरी वाटर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। सो वी हैव आयनिक कंपोजिशन, सो वंस अगेन फॉर आयनिक कंपोजिशन देयर आर टू कंपोनेंट्स, नंबर वन इज इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट एंड द अदर वन इज एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। तो मेजर कैटायन इन इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट और पोटेशियम, वी ऑलरेडी नो दैट सेल्स आर द बेग्स ऑफ पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, व्हाइल द मेजर एनायंस आर प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक एसिड्स फॉर फैट्स लाइक एएनपी, एडीपी एंड एटीपी, एंड नोट दैट प्लाज्मा कंटेन्स मेनली एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। अच्छा, जो मेजर कैटायंस एक्स्ट्रा सेलुलर में है तो हमें वो पता है कि मेजर कैटायन सोडियम है और एनायन क्लोराइड एंड बाइकार्ब है। अच्छा, हाउ टू कैलकुलेट वेरियस फ्लूइड कंपार्टमेंट्स इंडिविजुअली, मतलब कौन से केमिकल्स हम यूज करेंगे टू कैलकुलेट द वेरियस कंपार्टमेंट्स एंड सम फॉर्मूलाज। ठीक है, सो द टोटल बॉडी वाटर के लिए हम ड्यूटियम ऑक्साइड D2O यूज करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के लिए एनुलिन जो कि हमने पहले ही पढ़ा है उसमें मिनिटॉल और SO4 यूज करते हैं। अच्छा, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के लिए टोटल बॉडी वाटर से सिंपल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड माइनस करो तो आपके साथ ICF आ जाएगा, और प्लाज्मा के लिए जो है रेडियो लेबल एल्ब्यूमिन आर एवन ब्लू, ये एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछते हैं। ठीक है, कि हाउ यू हैव टू कैलकुलेट प्लाज्मा, सो दैट इज व्हाई इधर रेडियो लेबल एल्ब्यूमिन आर एवन ब्लू। और इंटरस्टीशियम के लिए ये है कि अगर आपको ECF का पता हो और आपको प्लाज्मा का पता हो तो ECF से प्लाज्मा माइनस करो तो जो बच जाता है दैट इज इंटरस्टीशियम। सो होप इट्स क्लियर। नाउ द मोस्ट ट्रिकी पार्ट ऑफ द होल दिस स्टोरी इज के आप लोगों को अक्सर क्वेश्चन दिया जाता है कि एक बंदे को आइसोटोनिक फ्लूइड इन्फ्यूज होगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द ऑस्मोलरिटी, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। सो वी हैव मेड ए सिंपल वे टू मेमोराइज द स्टफ, तो इसको आप थोड़ा गौर से सुनिएगा एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, और उसके बाद इंशाल्लाह जब हम वो वेरियस एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे सो यू विल हैव नो प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो नाउ लेट्स कम टू द बॉडी वाटर कंपार्टमेंट एंड चेंजेस इन द ऑस्मोलैरिटी। सो नंबर फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम के बारे में याद रखें कि
गेन और लॉस ऑफ फ्लूइड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द वॉल्यूम। इसका मतलब यह है कि अगर बॉडी से फ्लूइड लॉस होता है तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो कम होगा वॉल्यूम, और अगर गेन होता है तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा। एंड इट डज नॉट मैटर वेदर द फ्लूइड इज हाइपर और स्मॉलर और हाइपोस्मॉलर, ऑन अदर वर्ड इट डजंट मैटर इफ द फ्लूइड इज हाइपरटॉनिक और हाइपोटॉनिक। सो रूल नंबर वन आप लोगों को याद हो गया कि इफ यू इन्फ्यूज द वॉटर इन टू द बॉडी, ठीक है, नो मैटर वॉट काइंड ऑफ फ्लूइड इट इज, इट विल इंक्रीज द ईसीएफ वॉल्यूम। और अगर बॉडी से लॉस होता है, चाहे ब्लड लॉस हो, डायरिया में लॉस हो, ब्लीडिंग हो, वट एवर, ठीक है, सो देट विल डिक्रीज द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम। सो देट इज द रूल नंबर वन। रूल नंबर टू ये है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी जो होगी वो बिल्कुल वो हमने पढ़ा इसी तरह की होगी, लाइक अगर फ्लूइड हाइपरटॉनिक होगा तो इसकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करेगी, और अगर हाइपोटॉनिक होगा तो इसकी ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज करेगी। सो extracellular fluid osmolarity is directly related to the osmolarity of the fluid gain or loss from the body. For example, if hypoosmotic loss hoga, so that will decrease the ECF osmolarity. Isko aap hypertonic ya hypotonic bhi kehte hain. Aur agar hyperosmotic fluid aapne de diya, so it will increase the osmolarity. Aur isotonic de diya, to naam se pata chalta hai ki there will be no change. Acha, ICF volume jo hai, ye reverse hoga ECF ka. Like agar usko zyada karo, to ye kam hoga. इसका मतलब यह है कि अगर आपके फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है तो आईसीएफ वॉल्यूम को यह कम करेगा, और अगर आपकी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी कम है, हाइपोटोनिक है, तो इसको ज्यादा करेगा, ठीक है। सो जस्ट अपोजिट टू द ईसीएफ ऑस्मोलैरिटी, फॉर एग्जांपल इफ यू गिव समवन हाइपोटोनिक फ्लूइड सो इट विल इंक्रीज आईसीएफ वॉल्यूम, एंड इफ यू गिव हाइपरटोनिक सो इट विल डिक्रीज आईसीएफ, और आइसोटोनिक का वंस अगेन नो चेंज। सो लेट समराइज के ईसीएफ पे क्या इफेक्ट होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फ्लूइड दोगे तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, फ्लूइड निकालोगे तो वॉल्यूम कम होगा। ईसीएफ ऑस्मोलैरिटी पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, तो अगर हाइपर ऑस्मोलर दोगे तो ज्यादा होगा, और हाइपो ऑस्मोलर या हाइपोटोनिक दोगे तो ऑस्मोलैरिटी कम होगी। और आईसीएफ वॉल्यूम का क्या इफेक्ट होगा, तो अगर इसका हाइपर ऑस्मोलर दोगे तो ये अपोजिट, इसको मैं थोड़ा अदर कलर से कर लेता हूँ, ये अपोजिट है, तो हाइपर ऑस्मोलर दोगे तो इसका वॉल्यूम कम होगा, और अगर हाइपो ऑस्मोलर दोगे तो इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। सो आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम सो फार। लेट्स कम टू द एग्जाम, लेट्स डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट सिनेरियोस जो एग्जाम में दो तीन क्वेश्चन इससे अक्सर होते हैं और हमारे लिए बहुत थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। सो इफ यू अंडरस्टैंड द प्रीवियस कंसेप्ट, सो ये बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। और कंसेप्ट हमारा क्या था कि ईसीएफ वॉल्यूम जो है और ईसीएफ ऑस्मोलैरिटी गोज इन द सेम डायरेक्शन, और ICF जो है ये ECF osmolarity के opposite जाएगा। तो number first is isotonic infusion. Isotonic infusion का मतलब ये है कि आप किसी को normal saline का infusion लगा दो, ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, infusion है तो ECF increase होगा, और ISO है तो no change in the ISO, इस isotonic मतलब जो tonicity है इसकी osmolarity है उसमें कोई change नहीं होगा, और ये change नहीं होगा तो ये भी change नहीं होगा, ठीक है। Now second one is isotonic volume loss, जैसे कि डायरिया में होता है तो वंस अगेन लॉस है तो ईसीएफ डिक्रीज होगा, और ऑस्मोलैरिटी सेम रहेगी क्योंकि आइसोटोनिक है, और आइसोटोनिक है तो आईसीएफ वॉल्यूम सेम टू सेम रहेगा। नाउ कम टू थर्ड वन, थर्ड वन ये है कि हाइपरटॉनिक इन्फ्यूजन, लाइक फॉर एग्जांपल आपने किसी को 3% सेलाइन लगा दिया है तो इससे क्या हो जाएगा, इन्फ्यूजन है तो ईसीएफ वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है, और हाइपरटॉनिक है तो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी, लेकिन हमने कहा था कि आईसीएफ इसका अपोजिट जाता है तो आईसीएफ वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, एज इट्स अपोजिट टू ईसीएफ ऑस्मोलैरिटी। नंबर फोर ये ट्रिकी पॉइंट है, इसकी वजह से ये मैं दोबारा रिकॉर्ड करा रहा हूँ, वो ये है कि हाइपरटॉनिक वॉल्यूम लॉस दैट इज इन द फीवर, स्वेटिंग और डायबिटीज इंसिपिडस। सो रिकॉल योर सेल्फ दैट ऑल दीज फ्लूइड जो है ये हाइपोटॉनिक फ्लूइड है, ठीक है। सो टू मेक इट सिंपल, फर्स्ट लेट मी ड्रा ए लाइन, यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में बना देता हूँ, और यहाँ पे मैं या इनसाइड द बॉडी कंपार्टमेंट, और ये हो गया आउटसाइड द बॉडी कंपार्टमेंट, ठीक है। तो ये इनसाइड द बॉडी जो है ये लेट सपोज ये रेड में बना लूंगा साल्ट मॉलिक्यूल, और उसके साथ ब्लू कलर में हम बना देंगे वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये है वाटर मॉलिक्यूल्स। अच्छा क्या होता है कि व्हेन देयर इज डायबिटीज इंसिपिडस तो वाटर लॉस ज्यादा होता है और साल्ट जो है वो कम लॉस होते हैं, तो अगर वाटर लॉस ज्यादा होगा तो अंदर यहाँ पे जो है वाटर कम रह जाता है, ठीक है, इतना रह गया, और ये जो सलूट है ये वही ज्यादा रह गया,
अल्टीमेटली सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया। तो देखो यहाँ पे हमारे साथ वॉल्यूम लॉस है और यहाँ पे टॉनिसिटी या ऑस्मोलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि हाइपर टॉनिक वॉल्यूम लॉस। देर इज वॉल्यूम लॉस एंड इन साइड द बॉडी बिकम हाइपर टॉनिक, सो दैट अकर्स इन द फीवर, इन द स्वेटिंग एंड इन डायबिटीज इंसिपिडस, और लॉस है तो ईसीएफ डिक्रीज होगा, ठीक है। और हाइपर टॉनिक है तो ऑस्मोलरिटी ईसीएफ की इंक्रीज होगी, और हमने कहा है कि ईसीएफ इसके अपोजिट जाएगा तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, फिफ्थ नंबर इज हाइपोटोनिक वॉल्यूम एक्सपेंशन। हाइपोटोनिक वॉल्यूम एक्सपेंशन का मतलब यह है कि इनसाइड ऑफ द बॉडी आप मोर वाटर ऐड कर रहे हो, तो अगर इन सॉल्यूट को आप मोर वाटर ऐड करो तो इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, मतलब इसकी हाइपोटोनिसिटी। तो एज इट इज इन्फ्यूजन या गेन है तो ईसीएफ वॉल्यूम इंक्रीज होगा, हाइपोटोनिक है तो ऑस्मोलरिटी डिक्रीज होगी, और आईसीएफ इसके अपोजिट जाता है तो आईसीएफ वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और हाइपोटोनिक वॉल्यूम लॉस है एज इन द केस ऑफ एड्रिनल इनसफिशिएंसी, तो वंस अगेन लॉस है तो डिक्रीज फ्लूइड होगा, ठीक है। ऑस्मोलरिटी हाइपोटोनिक है तो डिक्रीज होगी, और आईसीएफ वॉल्यूम इसका अपोजिट जाता है, सो दिस वॉल्यूम विल बी इंक्रीज, ठीक है। सो होप दिस सिनेरियो इज क्लियर बाय नाउ। और वंस अगेन याद रखें कि हाइपोटोनिक या हाइपोस्मोटिक ये दोनों एक ही चीज है, हाइपरटोनिक हाइपरोस्मोटिक, एक्सपेंशन और फ्लूइड गेन एंड कंट्रैक्शन और फ्लूइड लॉस। सो डोंट बी कंफ्यूज विद दीस ट्रिकी टर्म, एंड इंशाल्लाह विद दीस टर्म्स यू विल बी एबल टू सॉल्व दोस ट्रिकी सिनेरियोस। नाउ लेट्स कम टू एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रीनल मैथमेटिक्स। तो रीनल मैथमेटिक्स में हमारे साथ क्या है कि हमने सिर्फ ये एक इक्वेशन वो पिक किया हुआ है, और इस इक्वेशन से हमारे बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और इसको याद रखने का तरीका यह है कि हमने कहा था कि लेट सपोज ये एक पर्सन है, ठीक है, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, और ये सूरज है, लेट सपोज इट इज सन, और सन से अल्ट्रा वायलेट लाइट्स आ रही हैं और पर्सन के ऊपर पड़ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम यूवी हमारे साथ ऊपर है और पर्सन नीचे है, तो यूवी डिवाइडेड बाय पी या वी यू जैसे भी आप लिखो, लेकिन याद करने का जो मुझे तरीका आता है वो ये है, एंड इफ समवन इज हैविंग अ बेटर निमोनिक सो आई विल बी हैप्पी इफ यू पीपल शेयर इट। सो लेट मी मेक दिस इक्वेशन सिंपल, कि लेट सपोज मैं आपको ये बता दूं कि जो यू जो है ये कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस इन यूरिन हो गया, ठीक है, और जो पी जो है ये कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इन प्लाज्मा हो गया, और वी जो है या वेलोसिटी यूरिन फ्लो रेट है। तो लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, इस पे फिट कर देता हूँ, जो कि अक्सर बुक्स में दिया हुआ है, वो ये है कि लेट सपोज एक सब्सटेंस है हमारे साथ, जो मैं लेट सपोज वो इनुलिन ले लूंगा, आप कोई भी सब्सटेंस ले सकते हो, और मैं इसके कोई थ्योरेटिकल वैल्यूज जो अक्सर बुक्स में दिए होते हैं वो, तो हम वो ले लेंगे कि इसका यूरिन फ्लो रेट जो है वो है 1 ml पर मिनट, ठीक है, 1 ml पर मिनट हमारे साथ ये हो गया। अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस इन यूरिन, सो लेट सपोज इसको हम 500 ले लेंगे, ठीक है, ऐसे आप 500 मिलीग्राम बट 100 जैसे आप लिखोगे, और कंसंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस इन प्लाज्मा इज 1 mg/cm। तो क्या हो जाएगा, तो इसमें हम ये वैल्यू पुट कर दें, तो v की जगह 1, u की जगह 500 और p की जगह 1, ठीक है। तो आंसर हमारे साथ क्या हो जाएगा, 5, सो दैट 5 इज द रीनल प्लाज्मा फ्लो। अगर हम GFR, तो इस तरह सेम वैल्यूज आप क्रिएटिनिन के ले लो, आपके साथ GFR भी दे देगी, और अगर क्रिएटिनिन क्लियरेंस तो वंस अगेन दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू GFR। तो फॉर दीज थ्री इक्वेशंस, ये सिंपल तीन चीजें, और एग्जाम में अक्सर इन पे सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, आपको वैल्यूज 10 20 में दिए होते हैं, आपने क्या करना है वैल्यूज को इन इक्वेशन में पुट करना है, एंड यू विल हैव द आंसर। अगर कभी कभी आपसे ब्लड फ्लो मांगे तो आपने क्या करना है कि पहले ये रीनल प्लाज्मा फ्लो मालूम करना है, फिर आपको हेमाटोक्रिट दिया होगा, तो इस जगह पे हेमाटोक्रिट लिख दें, एंड यू विल हैव योर आंसर। सो इट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।